हेलो दोस्तों, इंद्र एक्चुअली में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अक्रम और आज इस वीडियो में हम इस आईपैड मिनी का जो है फुल रिव्यू करेंगे। तो काफ़ी दिनों बाद जो मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, लगभग मैंने अनबॉक्सिंग 2 नवंबर 2018 को जो है मैंने किया था और काफ़ी लोगों के जो है मुझे कमेंट आ रहे हैं उस वीडियो के ऊपर जो अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने बनाया था। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि इसका फुल रिव्यू मैं कर देता हूँ। अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली जो अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हो। अगर मैं बताऊँ इसके डिज़ाइन के बारे में तो डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, एकदम मेटलिक फिनिश जो आपको देखने को मिलती है और ये अलग अलग तीन कलर में जो आपको मिलता है, ग्रे ग्रे कलर व सिल्वर कलर और गोल्ड कलर। ओवरव्यू की बात करूँ, यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर ऑन बटन, माइक मिल जाता है, सामने साइड पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नीचे की साइड पे दी हुई है और जो फ्रंट कैमरा है 1.2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे बैक पैनल आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है लोगो मिल जाता है एप्पल का, 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है जो रियर कैमरा है और साथ में यहाँ पे जो है आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है। ओके और नीचे की साइड पे जो है आपको यूएसबी पिन जो है आपको मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है, सब नीचे की साइड पे यहाँ पे दी हुई है। और ये जो आईपैड मिनी है बिल्कुल भी हैवी फील आपको नहीं होगा, लेकिन इसका जो वेट है 500 ग्राम के आसपास है, तब भी जो आपको फील नहीं होगा कि ये काफ़ी भारी जो है लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे अबाउट सेक्शन में चलते हैं। ये जो आईपैड है ये 6th जनरेशन आईपैड है और ये इसके अंदर जो चिपसेट लगा हुआ है A10 का फ्यूजन चिपसेट लगा हुआ है जो 64-bit आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। ओके और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए आपको जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है जो काफ़ी बढ़िया काम करता है। बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का कहना है 10 घंटे जो है आपको मिक्स यूसेज जो आपको मिलेगा, तो ये सच है, 9 से 10 घंटे जो आपको मिक्स यूसेज में आपको जो है बैटरी बैकअप दे देगा। मुझे बैटरी मतलब बैकअप के ऊपर कोई भी शिकायत नहीं है इस एप्पल के ऊपर, काफ़ी बढ़िया जो है बैटरी बैकअप आपको इस आईपैड मिनी के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये 9.7 इंच का जो है डिस्प्ले है, ये एक क्वाड एचडी डिस्प्ले है जिसमें आपको रिजोल्यूशन 2048x1536 का जो आपको रिजोल्यूशन मिल जाता है और 264 का जो है आपको पिक्सल डेंसिटी मिल जाता है। तो अब इसे बिल्कुल भी एंड्रॉयड से कंपेयर मत करना, क्योंकि एंड्रॉयड के 395 या 409 जो PPI है और इसके अंदर जो 264 आपको मिलता है, तो उसके मुकाबले मतलब सेम आप कह सकते हो या उससे बेहतर भी आप कह सकते हो इसके अंदर आपको एप्पल के इस आईपैड मिनी के अंदर आपको मिलता है। यहाँ पे कॉन्टेस्ट आप देख सकते हो 801 जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कैमरा में मतलब बताया आपको रियर में आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, फ्रंट में आपको 1.2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, दोनों में आपको 2.4 एपिचर वाला सेंसर आपको मिलता है। नेटवर्क के अंदर आपको जो ये फिलहाल वाईफाई वाली है तो आपको 2.4 GHz बैंड और 5 GHz का बैंड जो आपको मिलता है। अगर आप सेलुलर वाला लेना चाहते हो तो आपको जो सिम सपोर्ट होगा, लेकिन उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। रैम में आपको इसके अंदर जो है 2 GB रैम जो आपको मिल जाता है और 32 GB जो आपको स्टोरेज आपको मिल जाता है। 2 GB रैम काफ़ी बढ़िया है, मतलब एंड्रॉयड के मुकाबले मतलब 2 गुना जो है आप इसे फास्ट आप कह सकते हो, मतलब 4 GB अगर एंड्रॉयड का है तो इसका 2 GB उससे भी काफ़ी जो है हाई एंड जो आपको परफॉर्मेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंदर जो है जो एप्पल का TV अभी फिलहाल जो स्ट्रीमिंग साइट है वो जो है आप इसे स्ट्रीम कर सकते हो, कोई भी मतलब अगर आपको मूवी वगैरह देखना है, सीरियल देखना है तो आप इसे देख सकते हो, लेकिन इसके लिए जो आपको पे करना होगा और जो रेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 150 रुपये के आसपास रेंट है, लेकिन आप यूट्यूब का मजा ले सकते हो, यूट्यूब जो फ्री है कुछ भी आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको वॉइस रिकॉर्डर जो आपको मिल जाता है, खास करके जो ये आईपैड मिनी है ये MBBS स्टूडेंट के लिए जो है बनाया गया है, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, सिर्फ MBBA नहीं और भी अगर आप मतलब कॉलेज में पढ़ते हो, अगर आपके पास बुक बहुत सारा मतलब बुक है तो आप इसे मतलब ऑनलाइन बुक भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन बुक डाउनलोड करके आप इसे रीड कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। टाइपिंग मतलब इतनी अच्छी आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको जो अलग से एक जो है कीबोर्ड लेना होगा जो आपको मिल जाएगा बाज़ार में, लेकिन उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा जो होगी लगभग 4.5-5, अलग अलग मतलब जिसी आपको लेनी है, जितनी अच्छी क्वालिटी लेनी है आप उसे ले सकते हो, फिर जाके आप टाइपिंग जो अच्छी कर सकते हो। लेकिन हाँ, बुक रीडिंग के लिए काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पर रहेगा और सोशल नेटवर्क के जितने भी एप्लीकेशन है वो भी जो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, AR जो एप्लीकेशन है ऑगमेंटेड रियलिटी वो भी जो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया जो यहाँ पर काम करता है, खास करके प्रेजेंटेशन और अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो 4K वीडियो एडिट भी जो आप इसे कर सकते हो। यहाँ पे काइन मास्टर का भी एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाता है और खास करके जो मैंने इसे खरीदा है इस आईपैड को एडिटिंग के लिए, तो 4K वीडियो एडिटिंग एकदम मक्खन की तरह जो ये कर देता है, बिल्कुल भी लैग फील नहीं होता, आपको एप्लीकेशन मतलब डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, आपको प्री इंस्टॉल जो आपको मिल जाता है। ये कुछ है, कैमरा के इफेक्ट है यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे मिल जाता है, ये प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से अगर आपको
जो YouTube का थंबनेल बनाना है वो भी यहाँ पे बना सकते हो, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना है वो भी जो है यहाँ से बना सकते हो, पावर पॉइंट की तरह है। ओके, और वीडियो एडिटिंग की मैं बात करूँ तो काफ़ी इजीली जो है वीडियो एडिटिंग जो है यहाँ पे हो जाता है। 4K वीडियो एडिटिंग जो है आप इस iPad mini से जो है कर सकते हो, काफ़ी इजी है। मतलब मान लो सिर्फ कंप्यूटर तो आपको ज़रूरत है अगर आप घर में रहते हो, लेकिन कहीं भी अगर आप सफ़र के लिए जाते हो तो ये iPad mini काफ़ी ईजी हैंडल रहना रहेगा। मतलब अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, बुक रीडिंग के लिए चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग करना है तो काफ़ी फास्ट जो है आपका वीडियो एडिटिंग जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन स्टोरेज में आपको सिर्फ 32 GB मिलता है। अगर आपको अलग से हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव जो आता है वो लेना है तो उसके लिए आपको अलग से पैसे खर्च करना पड़ेगा, फिर जाके जो आपको स्टोरेज थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। और एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे भी अलग अलग सब दिया हुआ है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो और भी है, यहाँ पे सब अलग अलग गिटार का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और ब्राइटनेस की बात करो तो ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया है, मतलब डे लाइट मतलब सनलाइट में भी काफ़ी विजिबल जो आपको देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि AR जो ये सपोर्ट करता है ऑगमेंटेड रियलिटी, तो उसका भी एप्लीकेशन पहले से एक जो मेसोमेंट जो एप्लीकेशन है जिससे मतलब आप कोई भी चीज़ का ऑगमेंटेड रियलिटी से जो है माप ले सकते हो, तो मैं आपको सिंपल यहाँ पे बता देता हूँ। आपको सिर्फ सरफेस पे जो है आपको मूव करना है, मूव करने के बाद जो ये सरफेस को स्कैन कर लेगा, फिर जाके आपको जो है मतलब एग्जैक्ट जो मतलब माप है वो जो है यहाँ पे ला के देगा। अब बार बार चेक कर सकते हो, मैंने इसे चेक भी किया है, मतलब सेम एग्जैक्ट जो है यहाँ पे माप निकल के आता है। सिर्फ आपको जो है जो मूवमेंट मतलब है स्कैन का वो काफ़ी अच्छे से जो आपको करना है फिर जाके आपको माप मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 67 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे मेरे यहाँ पे सीढ़ी का जो है यहाँ पे माप बता रहा है। और मैं बताऊँ इसके गेम के बारे में, तो गेमिंग तो एकदम मतलब फ्लैगशिप फ़ोन भी मतलब इतना अच्छा नहीं खेल सकता, मतलब प्ले नहीं हो सकता। तो इसके अंदर आपको HDR पे अल्ट्रा मोड जो है आपको मिल जाता है जो काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर क्वाड HD जो है इस्तेमाल किया हुआ है, जो डिस्प्ले है IPS डिस्प्ले है। और यहाँ पे आप देख सकते हो शेडो जो टेक्सचर है वो काफ़ी बढ़िया है, क्लियरिटी काफ़ी बढ़िया आपको पसंद आएगी। अगर आप इस iPad पे एक बार अगर गेम प्ले कर लोगे तो उसके बाद जो आपको मोबाइल पे गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो मतलब स्क्रीन भी काफ़ी बड़ा है, क्लियरिटी काफ़ी अच्छा है, लैग भी आपको नहीं होता। और यहाँ पे टेक्सचर आप देख सकते हो, कॉन्ट्रास्ट काफ़ी बढ़िया जो यहाँ पे देखने को मिलती है। और पबजी का मज़ा तो इस iPad mini के अंदर ही आपको मिलेगा, काफ़ी बढ़िया है। और मैं पबजी इसके अंदर मैंने खेला है, बैटरी बैकअप जो मुझे मिला है वो लगभग 7 घंटे के आसपास जो है लगातार अगर आप पबजी खेलते हो तो आपको जो है बैटरी बैकअप मिलता है। तो 7 घंटे काफ़ी बढ़िया है, लेकिन आपको जो है आईफोन के अंदर आपको 7 घंटे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो इस iPad के अंदर आपको मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफिक काफ़ी बढ़िया जो यहाँ पे निकल के आता है। आप इस सैमसंग के अंदर जो है जितने भी मतलब हाई एंड गेम अगर फ्यूचर में भी अगर आ जाए तब भी जो आप इसे प्ले कर पाओगे आसानी से, बिल्कुल आसानी से जो है आप प्ले कर पाओगे। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो जो मैंने ख़रीदा था नवंबर में, 2 नवंबर को 20,600 में, तो इसका प्राइस जो है वेरी होते रहता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो 28,000 के आसपास जाता है। तो 22, 23, 24 के आसपास अगर रहता है कोई भी ऑफर अगर आपको फ्लिपकार्ट पे मिले तब जो है आप जाके खरीद लेना। और मैंने इसे नो कॉस्ट EMI में खरीदा था, मतलब कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप नो कॉस्ट EMI में जो इसे खरीद सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। और अगर आप नए हो हमारे चैनल के, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे ऐसी नेटिक वीडियो में, तब तक लिए देखते रहिए हिंदी टेक।